हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज भाग एक के पाठ एक दो पहलू की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, उसके व्याख्या के आदर्श वाचन एवं व्याख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे व्याख्या कर रहे थे कि लास्ट तक ये हो गया था कि भाई दोनों बैल मटर के खेत में घुस जाते हैं, गया के घर से भाग करके। उसके बाद एक सांड आता है, उस सांड को दोनों आपस में मिल दोनों एक साथ मिल करके लड़ते हैं, उस सांड से भगा देते हैं उसको और फिर मटर के खेत में घुस जाते हैं। और दो लठ लठ लेकर के दो लोग आते दो व्यक्ति आते हैं और उसको उन दोनों को पकड़ लेते हैं। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए थे। कांजी होश बताया था पशुओं का आवारा पशुओं का बाड़ा, जेल एक तरह की, जहाँ आवारा पशुओं को रोका जाता है, पकड़ के बांधा जाता है, रोका जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा, ऐसा सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था ये कैसा स्वामी है, ये कैसा मालिक है जो कुछ भी खाने को नहीं देता है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उनको गया, वो तुलना करते हैं मालिकों में स्वामियों में, तो अब उनको गया इस मालिक से, एकांजी होश के मालिक से कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। मुर्दों की तरह पड़े रहे मतलब एक तरह से बिल्कुल कमजोरी स्थिति में, निढाल, बिना कोई एक्टिविटी करते हुए, बिना कोई जोश में पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। कई जानवर तो वहां पर इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं रह सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटके लगाए ताकते रहे, यानी कि फाटक की और दरवाजे की ओर टकटके लगाकर, टकटके लगाना मतलब उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे, पर कोई चारा न आता दिखाई दिया तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे कौन सी संतुष्टि होती, इससे उनकी भूख थोड़ी मिटने वाली थी। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। यानी एक तरह से अगर हम माने तो लेखक ने इसको स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ा है कि किस प्रकार से उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, भूखा और प्यासा रखा जाता था और बुरा हाल किया जाता था। जैसे कि आपने पहले भी कैदी और कोकिला में भी पढ़ा है कि भाई उन्हें को भूख जीने को देते नहीं, पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, हुक कर रह जाना, आ भर कर रह जाना, यानी कि बहुत बुरा हाल होता था। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में दो बैलों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आज़ादी से जुड़ने की घटना बताई गई है। रात को जब भी कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा और मोती, हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, विद्रोह की आग जल उठी और मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़े, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी के बुत्तिया करते थे, इसी के बल पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा निकल कर आया। और फिर उसका साहस बढ़ गया, उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसका जोश बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आग निकला।
हीरा का उज्जड़पन देख करके, विद्रोहपन देख करके उसने कई डंडे रसीद कर दिए, उसके पर कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाए क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए, और बंध गए तुम, रस्सी से बंध गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, यानी कि यहां से आजाद होने की कोशिश। स्वतंत्र सेनानी एक कहता है कि यहां से आजाद होने की कोशिश तो करता रहूंगा, भारत माँ को आजाद कराने की कोशिश तो करता रहूंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, चाहे पैरों में हाथों में चाहे कितनी ही बेड़ियां पड़ जाए, चाहे अंग्रेज मुझे कितना ही कैद करके रखे, लेकिन मैं भारत माँ को आजाद कराने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं है, यो भी तो मरना ही है। जेल में पड़े पड़े भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती, या फिर प्रश्न बनेगा, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहां बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, किसी के शरीर में जान नहीं है। दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह तो बात है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दोनों ने वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से, किसी प्रतिस्पर्धी से, सामने किसी शत्रु से युद्ध लड़ रहा हो, प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, कॉम्पिटिटिव से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट दौड़ निकली। घोड़ियों में स्फूर्ति सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे पहले घोड़ियां निकल पड़ी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक रही थी यानी धीरे धीरे चल रही थी, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो पता नहीं किसी कारणवश, भूलवश या कोई शुरू में जोश में जेलों में बंद हो गए, आ गए कैद में आ गए, और अब वो वापस नहीं जाना चाहते। उनको डर सिर्फ यही है कि कहीं फिर से पकड़े गए तो वापस जेल में आ जाए, क्यों मेहनत किया जाए, आलसी आदमी। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, इसमें क्या परेशानी है, अभी तो भागने का अवसर है, पकड़े जाएंगे जब फिर आ जाना। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, हमें डर लगता है कहीं फिर पकड़े गए, फिर मार पड़ेगी, तो इससे बढ़िया तो है कि हम यहीं रहें। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ रहा था लेकिन रस्सी नहीं टूटी, रस्सी मोटी थी, तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं फिर से भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यही तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो भी क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यहाँ एक प्रश्न बनता है पीछे कि इससे मोती के
कौन से या कौन सी विशेषताओं का पता चलता है? भाई 9-10 प्राणियों की जान चली गई, वे तो आशीर्वाद देंगे, तो इससे मोती के बलिदान और विशेष रूप से परोपकार की भावनाओं का पता चलता है, दूसरों की भावनाओं, दूसरों के प्रति भला करने की भावनाओं का पता चलता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ और जानवरों को भी आज उस कैद से, काजी होश से आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। वो दोनों गधे जो जाए या ना जाए इस सोच में पड़े हुए थे, तो उन्होंने उस मोती ने दोनों गधों को सींग मार के बाहर निकाल दिया और वह खुद आकर मोटी रस्सी से वो अपने साथी के साथ सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी। मुंशी का मतलब होता है मुनीम, एज ए आज के डेट में अकाउंटेंट। तो कैसी खबर मची होगी अन्य कर्मचारियों में, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि सब सब घबरा गए होंगे, सब में हड़कंप मच गया होगा कि इतने जानवर भागे तो कैसे भागे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया, यानी कि जो एक यानी कि हीरा तो बंधा हुआ था ही पहले ही, अब मोती को भी बांध दिया, और लेकिन बाकी जो जानवर थे वो निकल गए। इस बात का हीरा और मोती को बड़ा ही प्रसन्नता का भाव, बड़ा ही मतलब बड़ी खुशी हो रही थी कि हीरा और मोती और बाकी जो जानवर हैं वो निकल गए हैं। इसमें प्रश्न आज के लिए इतना ही, लेकिन एक दो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो आपको देखो एनसीईआरटी के, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न करने होंगे पीछे जो दिए हुए हैं। कहाँ तक? रचना एवं अभिव्यक्ति से ऊपर, जैसे कि एक तरह से इस पाठ में 10 प्रश्न है, तो जो 10वां प्रश्न है वह तो है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको तो आपको कॉपी फेयर कॉपी में करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन बाकी आपको करने हैं। चाहे हो सकता है कुछ प्रश्न हम इसमें बता दें, कोई एक दो प्रश्न हर ऑडियो में एक दो प्रश्न बताए जा रहे हैं, कोई प्रश्न बाय दी वे छूट भी जाए किसी भी ऑडियो में बताने से, तो आप उसको ये न माने कि वो प्रश्न करना नहीं है। प्रश्न एनसीईआरटी के सारे करने हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो एक तो इसमें यही प्रश्न बन गया पहला, कांजी होश में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी। दूसरा प्रश्न इसके साथ, पहले प्रश्न के बाद इसके बाद एक प्रश्न इसमें ये बन जाता है, हो सकता है फिर से दोहरा दिया जाए लेकिन फिर भी करना तो होगा आपको। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। एक वो 9-10 प्राणियों की जान बच गई, 8वां प्रश्न है वो करना है। प्रश्न मैंने कहा ना कि सारे करने हैं प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटेगा जो नहीं करना है, ठीक है? तो आप कॉपीज बना रखी हैं, उसमें अभी तो इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को फाइंड आउट करने हैं आपको, अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना है, फाइंड आउट करने हैं। ऑडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार सुनिए, अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और फाइंड आउट के साथ साथ बाकी जो पीछे के अगर प्रश्नोत्तर बचे हुए हैं किसी के फेयर कॉपी में करने के लिए, तो वो प्रश्नोत्तर कर लीजिए। कैदी और कोकिल का एक प्रश्न रह गया था, वो मैंने पिछले ऑडियो में करवा दिया, पिछले लेक्चर में करवा दिया है, तो उसको भी लिख लीजिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, प्रश्न अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।